रेवाड़ी की कसोला पुलिस ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर 19 लोगों से 95 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान फरूखनगर निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू व अशोक कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि बकथला निवासी मुकेश ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके ताऊ शोराम शरीर में दर्द का देसी उपचार करते हैं। जून 2018 में गुरुग्राम के फरूखनगर के वार्ड नंबर 6 निवासी जितेंद्र व उसका भाई अशोक शोराम के पास आए थे। अशोक अपनी पत्नी को कमर दर्द के उपचार के लिए यहां आता था। यही कई बार आने के कारण दोनों की मुकेश से अच्छी जान पहचान हो गई थी। अशोक ने बताया था कि वह नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बोर्ड इलाहाबाद का सदस्य है तथा इस जोन में सीधी नौकरियां उन्हीं के द्वारा निकाली जाती हैं। वह किसी को भी यहां नौकरी लगा सकते हैं। मुकेश ने नौकरी लगवाने के बारे में पूछा तो दोनों ने बताया कि एक नौकरी के 10 लाख रुपए लगते हैं। मुकेश ने सितंबर 2018 में अपना ट्रैक्टर 25,000 रुपए प्रति माह तथा अपने भाई श्यामलाल व सत्यवीर के ट्रैक्टर 20,000 रुपए प्रति माह में तीनों ट्रैक्टर कंपनी में लगवाने के नाम से अशोक व जितेंद्र को दे दिए थे। दोनों भाई रुपए लेने के बाद फरार हो गए थे। पीड़ितों को ना नौकरी मिली थी और न ही रुपए वापस मिले थे। आरोपियों ने तीनों ट्रैक्टर भी वापस नहीं लौटाए थे। आरोपियों ने रुपए लेने के बाद भर्ती के फॉर्म भी भरवाए थे। रुपए देने वालों ने अपने स्तर पर पता किया तो पता लगा कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकली थी। उन्होंने अपने रुपए वापस मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 18 मार्च 2020 को कसोला थाना में शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बुधवार को अशोक निवासी फरूखनगर को गिरफ्तार करके अदालत से पुलिस रिमांड पर लिया था। बुधवार की शाम को ही दूसरे आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी फरूखनगर को भी गिरफ्तार कर लिया। धारा सिंह जी, किस तरह से क्या ठगी हुई आपके साथ? ठगी नौकरी का झांसा देके और 17 आदमियों से 95 लाख रुपए ले लिए। कौन था ये? अशोक, वशिष्ठ और जितेंद्र जी। और कितना समय हो गया? ये करीब 2-2.5 साल हो गए जी। क्या कहता था ये युवक? नौकरी के लिए ये कहता था कि मैं रेलवे में अधिकारी हूँ और सीधा मतलब भर्ती करा दूँगा, अपना आप ही फॉर्म भरा इसने और सीधा इन्होंने पेपर दिलाए थे दिल्ली के मैं और सबका 5-5 लाख रुपए लिया था सभी बच्चों का जी। तो आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई? ये बगथला के अंदर मुकेश के ताऊ के पास डिस्क का झाड़ा लगवाना आए थे, इनके चनक लग रही देसी इलाज के लिए मुकेश के ताऊ के पास आए थे, ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया और विजिटिंग कार्ड दिखाकर और इन्होंने कहा कि मैं रेलवे में अधिकारी हूँ और मैं बहुत बच्चे नौकरियाँ लगा दी हैं और भाई मैं आपके बच्चों को भी नौकरी लगवा दूँगा। धीरे धीरे फर्स्ट में 3-4 बच्चों को पैसे दिए और जैसे आना जाना शुरू कर दिया इसने, धीरे धीरे सब ने 17 आदमी ने पैसे दे दिए 5-5 लाख रुपये। उसके बाद कैसे पता चला आपको ठगी की आपके साथ? जी कैसे पता चला ठगी करी आपके साथ? हम कई महीने तक इनके पीछे पीछे घूमते रहे, इन कहते रहे कि भाई आज नौकरी लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, अब ज्वाइन लेटर आ रहा है, कल इंटरव्यू होगा, ये होगा, मतलब गुमराह करता रहा हमेशा हमको। तो आखिर पुलिस का सहारा लेना पड़ा आपको? आखिरी पुलिस का सहारा लेना पड़ा जी हमें। ये एक मुकदमा नंबर 105 है जो 420/406 IPC का दर्ज है। यहाँ 18 आदमियों ने एक कंप्लेंट दे रखी थी जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने रेलवे में नौकरी लगाने के लिए सभी से 5-5 लाख रुपए और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे के हिसाब किताब ली थी, तो ना तो उनको नौकरी लगाया ना ही उनके पैसे वापस दिए। तो इनको कल अशोक और जितेंद्र दोनों सभी भाई हैं जो फरूखनगर के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया है और पुलिस रिमांड पर लिया है, जो आज 1 का 3 दिन का 1 का 4 दिन का पुलिस रिमांड है। इनको इनसे ट्रैक्टरों की रिकवरी और पैसों की रिकवरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसी के लिए हम। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।